हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित गुप्ता फ्रॉम जेम माइंस। एक मुखी गोलदाना, एक मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी काजू दाना, बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक मुखी की जब बात आती है तो इतनी सारी चीज़ें क्यों आती हैं। तो दोस्तों, एक मुखी वैसे तो बोलते हैं महादेव से कनेक्टेड है, और एक मुखी बड़ा रेयर दाना होता है। ख़ास तौर से इसमें अगर गोल दाने की बात करें, नेपाल की बात करें, तो मिलता ही नहीं। तो लोग उसको क्या बेचते हैं, कहाँ से लाते हैं, हमें नहीं पता। वो मिलता ही नहीं है, वो लाखों का भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, वो लाखों का करके कुछ बेचते अलग चीज़ है। उसमें एक नई चीज़ आई है, जैसे गोल सा दाना होता है, उसमें एक लाइन होती है लेकिन अंदर बीज पाँच होते हैं। तो उसकी हमेशा एक्सरे कराइए आप, एक्सरे में उसका एक बीज होना जरूरी है। ये नकली आजकल चल रहा है और मार्केट में खूब धड़ल्ले से बिक रहा है। इसमें एक दूसरा आता है, गोल दाना होता है, सर्टिफाइड होता है, एक्सरे में भी एक बीज आता है, ये ओरिजिनल होता है। लेकिन ये हिमालय का होता है, नेपाल का नहीं होता है। ये भी महंगा आता है काफ़ी, इसमें भी नकली आते हैं, लोग बेचते हैं इसको भी। और एक जो बड़ी कॉमन चीज़ है, इसमें एक आता है काजू दाना। काजू दाने में क्या होता है कि इस तरह काजू टाइप का एक दाना होता है, इसमें भी एक ही बीज होता है, ये भी इफेक्टिव काफ़ी होता है। इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं काफ़ी। इसमें बेसिकली इसमें एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये भी उतना ही इफेक्टिव होता है। लेकिन आज की डेट में रुद्राक्ष में नकली और असली का बहुत बड़ा चक्कर है। तो कभी भी आप जेम माइंस आइए, रुद्राक्ष लाइव करके हमारी वेबसाइट भी है, वहाँ पे आप ले सकते हैं और आपको ये जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी सारी।